तो सबका स्वागत है आज के नए वीडियो के अंदर। दोस्तों अपनी गेम में ना एक न्यू इवेंट आने वाला है फेवर स्पिन नाम का, जिसके अंदर गाइस आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी एक P90 की स्किन मिलने वाली है, एक लेजेंडरी से एकदम खतरनाक से एक बंडल मिलने वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो उस इवेंट का मैं पूरा रिव्यू कराने वाला हूँ, साथ ही साथ कई उस इवेंट का मैं एडवांस मतलब कि जो हमारा बांग्लेश्वर में फिलहाल तो आया हुआ है तो उसका मैं पूरा स्पिन करके दिखाऊंगा। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कितने डायमंड लगेंगे, साथ ही साथ उसके अंदर मैं यही बताऊंगा कि वो अपने एंडसर पे कब तक आएगा, ठीक है। सब कुछ एकदम डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा क्या करना है, बस वीडियो को ना कंप्लीट वॉच से करना। अगर गाइस आप सभी लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करते ना तभी जगह आप लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर पाओगे। एंड भाई उससे पहले आप सभी से हमें एक तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि कोई भी दोस्तों के चैनल पर नया रहोगे ना तो देखो मेरे पहले भाई अगर आपके भी चैनल है, अगर गाइस आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो मेरे आपसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा है तो प्लीज सब्सक्राइब जो से कर देना। गाइस आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड गाइस अपन को 10K का से क्रॉस करना है तो प्लीज यार अपन जगह रेट लगा सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बटन को ऑल पे सेट कर देना। एंड गाइस आई वुड लाइक यू से कर देना। हम लोग करते वीडियो को फाइनली गाइस आप सब यहां पर जो हमारे इवेंट है ना उसका आप लोग लुकिंग देख सकते हो कैसा क्या होने वाला है। एंड ये ना हमारे बांग्लादेश में फिलहाल आया हुआ है एंड इसका मैं पूरा आपका रिव्यू कराऊंगा कि कैसे इवेंट है, कितने डायमंड आपके लगेंगे, ठीक है। मैंने अपने बांग्लादेश आईडी में इस इवेंट को लॉगिन करा है एंड देखते हैं इसकी इवेंट में कितने डायमंड हमारे लग जाते हैं, ठीक। एंड इस इवेंट की खास बात ये गाइस कि आपको ना यहां पर डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट कैसे देगा, जैसे कि आप लोग लगातार स्पिन करोगे ना तो भाई आपको यहां पर अपने आप ही गई ना आपको अपने मतलब कि आपके लक के हिसाब से आपको डिस्काउंट दे देगी। एंड अगर आप 25 स्पिन करते हैं तो आपको देखो यहाँ पर एक रेयर आइटम मिलेगा, तीन में से आपको उसको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट से स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं इसके हमारे कितने डायमंड लेंगे एंड साइड में जो उसके रिवॉर्ड वगैरह आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं 20 का स्पिन करूंगा, इसकी 20 का स्पिन 20 का 28 का स्पिन है तो मुझे यहाँ पर मिला है 30 मिलेगा, मैं जानता हूँ 30। ओके गाइस यार ये 30 नहीं है भाई, ये कुछ रेयर रिवॉर्ड है क्या यार ये, नहीं नहीं 30 थी, ठीक है। तो मैं समझ गया 30 मुझे मिली है यहाँ पर और इसके बाद मुझे वापस से मिला है यहाँ पर 30। और नहीं 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 मेरे भाई ये कुछ रेयर रिवॉर्ड है, मुझे पता नहीं क्या है ये, बट हम लोग इसको वर्ल्ड में चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये रेयर रिवॉर्ड है जो भी है, क्योंकि इसके देखो पीछे जो बैकग्राउंड है ना वो रेयर वाला बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये कुछ हमको रेयर रिवॉर्ड मिला है, पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया है। चलिए तो फटाफट से यहाँ पर ना हम लोग वापस स्पिन कर देखते हैं हमको क्या रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लगातार 28 के स्पिन करता रहूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए जो बंडल है भाई, इसका जो बाल है ना गाइस लुकिंग है ना इसकी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो मुझे कुछ क्रिएट मिले तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं आपसे बात होगा इसके अंदर ना मेरे लगभग यार मैं आपको बताऊंगा इसके कितने डायमंड लगे मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको जहां तक अपने इंडस्ट्री में बता रहा हूं ना, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 800 से 900 डायमंड तो कन्फर्म लगेंगे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डायमंड सस्ते वगैरह है तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है टॉप वगैरह कर सकता हूँ, बट अपने इंडस्ट्री में तो मैं क्योंकि हम खानदानी गरीब है गरीब हो जाता, ठीक है। इसलिए मैं इंडस्ट्री में फिलहाल नहीं कर सकता टॉप अप, लेकिन गाइस यहाँ पर हम लोग टॉप वगैरह स्पिन कर सकते, ठीक है। तो मुझे इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं मिला और यहाँ पर फाइनली एक इमोट मिली जो कि मुझे किसी काम की नहीं है, तो वापस स्पिन करते देखते भाई क्या मिलता है यार। डायमंड देखो भाई कितने खत्म हो, ठीक है। तो इस बार भी कुछ नहीं मिला, रे ये क्या मिला, ये क्या है भाई, ये क्या मछली मिली क्या मिला भाई, समझ नहीं आ रही क्या मिला है, समझ नहीं आ रहा गाइस। तो जो भी मिला अच्छी चीज़ें हमको मिल गया है, चलो फाइनली गाइस यहाँ पर। तो अब गाइस हम लोग ना वापस यहाँ पर स्पिन करना स्टार्ट कर देखते गाइस कि क्या मिलता है भैया, कुछ तो मिल जा, कुछ तो ऐसा मिल जा जिसको मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखा सकूँ, कुछ तो मिल जा भैया, नहीं मिला रे काट लिया लिटरली मेरे यहाँ पर कट रहा है और यहाँ पर मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे यहाँ पर देखो भाई क्या बोले नेम जज कार्ड, ओके फेवर टाइम, तो भैया मुझे बुखार आने का वक्त हो चुका है, फेवर यानी बुखार। तो फाइनली यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिलनी चाहिए, दिख सको गाइस यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिला है, जो मेरा 28 का स्पिन था ना अब वो 18 का स्पिन होगा, ठीक है भाई। कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिली, काफ़ी अच्छा चीज़ है यार। तो देख सको इस प्रकार अपना इवेंट आने वाला है अपने इंडिया के अंदर भाई, जिसका डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, अगर डायमंड लगातार खर्च कर दो, ठीक है। तो हम लोग इससे 5+ का स्पिन कर देते थे, हमको रेयर रिवॉर्ड मिलता है, फिर नहीं मिलता और नहीं मिला रे, क्यू फ्रेगमेंट वेपन वाले वाउचर 30 से मिली है, ठीक है, कुछ भी मुझे नहीं मिला है। तो यार अब मैं गरीब हो चुका हूँ, फिर सिर्फ 56 डायमंड बचे में, ठीक है। वापस हम लोग स्पिन कर दे तो क्या पता इस बार का हमको रेयर रिवॉर्ड मिल जाए, और वापस से हमने जो है 5+ का स्पिन करा, मुझे यहाँ पर ओके गाइस कुछ मिला रे, कुछ मिला क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इन सारे रिवॉर्ड्स को ना बाद में रिव्यू करेंगे, बट जो मिला अच्छी चीज़ है, चलो कुछ तो रेयर मिला ना, ठीक है गाइस। तो इस तरह का जो इवेंट होने वाला लास्ट स्पिन बचा है, लास्ट टाइम लोग कर उसके हम लोग फकीर हो चुके हैं, ठीक है। तो नहीं है लास्ट टाइम नहीं कर सकते लोग, मुझे लास्ट स्पिन कर पाएंगे। तो फाइनली गाइस इस तरह का इवेंट होने वाला, मैंने आपको पूरा रिव्यू करा दिया, मेरे पास जितने फिलहाल डायमंड थे तो मैंने सभी खर्च कर दिए, बट मुझे यहाँ पर रेयर रिवॉर्ड नहीं मिले, ठीक है। लेकिन ये जो इवेंट है अपने इंडस्ट्री पर आने वाला है, इसके अंदर इसके रिवॉर्ड भी चेंज होंगे थोड़ी, जैसे यहाँ पर इमोट वगैरह दी जा रही ना तो इसके रिवॉर्ड में आपको कुछ यहाँ पर कुछ गन की स्किन दी जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ गन की स्किन देगी, हो सकता है वो लेजेंडरी हो सकता है वो थीम हो, बट अपने इंडस्ट्री पर आएगा ना तो थोड़ा सा इस इवेंट में चेंजेस किएगा, बाकी इवेंट सेम होगा, बंडल भी सेम होगा, रिवॉर्ड भी सेम होंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा, ठीक। और बात करेगा इसकी इवेंट अपने इंडस्ट्री कब तक आने वाले, तो मैं आपसे को बताऊं मेरे प्यारे भाई लोग, ये जो इवेंट है ना अपने गाइस अभी आई थिंक अरे 27 या 26 तारीख ऐसे कुछ तारीख है ना, तो गाइस ये ना अपने इवेंट 5 तारीख को आने वाले, ठीक है। 5 अगस्त को इवेंट आने वाला अपने इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, इस फेवर टाइम इस इवेंट का नाम होने वाला, बहुत ज्यादा लेजेंडरी बंडल, ये गाइस नॉर्मल बंडल नहीं है, एकदम लेजेंडरी एकदम खतरनाक सा बंडल है, मतलब कि ईवो बंडल को टक्कर देने वाला है, तो किस प्रकार बंडल अपने इंडस्ट्री पर आने वाला है। बाकी देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं जाता तो नीचे कमेंट जरूर से पूछ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक जरूर से कर देना, मिलते हो ऐसी वीडियो के साथ।